जीएस न्यूज पर चल रही प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, ट्विटर पर कौन सी बैंक दुनिया भर में 10 लाख फॉलोअर्स के साथ सबसे लोकप्रिय केंद्रीय बैंक बन गया है? ए इलाहाबाद बैंक, बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सी भारतीय रिजर्व बैंक या डी भारतीय स्टेट बैंक। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437। भागलपुर के समाहर न्यायालय में जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व जिला के वरीय पदाधिकारी के साथ की बैठक। फिर से देश के साथ साथ बिहार और भागलपुर में वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भागलपुर के समाहर न्यायालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और जिला के वरीय पदाधिकारी के साथ बैठक का आयोजन किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने जिले में संक्रमण से बचाव को लेकर अधिकारी को कई दिशा निर्देश दिए। डीएम ने जिले में सामाजिक दूरी का पालन कराने और मास्क लगाना अनिवार्य किए जाने को लेकर कड़ाई बरतने की बात कही। बैठक के दौरान एडीएम राजेश झा राजा, सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिंह सहित सभी पदाधिकारी मौजूद थे। रही है उस गाइडलाइन को हम लोग फिर से जो है इम्प्लीमेंट करवाएंगे, कड़ाई के साथ इम्प्लीमेंट करवाएंगे। ऐसी संभावना व्यक्त की गई है कि छठ के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर जो बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं उसके कारण संक्रमण जो है सो बढ़ सकता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन तैयार हो रही है। उस गाइडलाइन को हम लोग इम्प्लीमेंट कराएंगे, खास करके जो मास्क पहनने का है, सोशल डिस्टेंसिंग का है, इसी दोनों पर यदि हम लोग काबू कर लें तो कोरोना संक्रमण जो है काफ़ी हद तक। और आम लोगों से क्या अपील करना है? आम लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग निश्चित रूप से कर लें। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। भागलपुर केंद्रीय कारा व विशेष केंद्रीय कारा में पुलिस पदाधिकारी द्वारा चलाया गया छापेमारी अभियान। बिहार में नई सरकार का गठन होते ही राज्य में बढ़ते अपराधी घटनाओं को लेकर सरकार काफी सख्त दिख रही है, जिसके बाद पूरे सूबे के जेलों में जिला प्रशासन के द्वारा विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसको लेकर भागलपुर के शहीद जुब्बा साहिनी केंद्रीय कारा और विशेष केंद्रीय कारा भागलपुर में जिलाधिकारी प्रणव कुमार, एसएसपी आशीष भारती के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान के साथ एक साथ दोनों जेलों में छापेमारी अभियान चलाया गया। लगभग 3 घंटे तक चले छापेमारी अभियान में किसी भी तरह का कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है। दोनों जेलों में एक साथ छापेमारी चलाए जाने से जेल में हड़कंप का माहौल बन गया। वहीं सीनियर एसपी आशीष भारती ने बताया कि रूटीन चेकअप को लेकर अभियान चलाया गया था। भागलपुर के नाथनगर में रफ्तार की कहर ने ले ली मां और बेटे की जान। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के मिर्जा चौकी के समीप रफ्तार के कहर ने मोटरसाइकिल सवार मां और बेटे की जान ले ली। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि सुल्तानगंज निवासी शिबू शाह की पत्नी बेबी देवी और उनका पुत्र आकाश कुमार मोटरसाइकिल से कांवरिया का कपड़ा लाने भागलपुर जा रहा था। इसी दौरान नाथनगर के मिर्जा चौक के समीप तेज गति से आ रही बोलेरो गाड़ी ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस की सहायता से आनन फानन में दोनों माँ बेटे को इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। वही घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वही 8:30 बजे घर से निकले हैं भागलपुर मार्केटिंग करने के लिए, और उसी में जा रहे थे उधर से बरोलो आकर के धक्का मार दिया। तीन नारायण साहब हो गई है जी, बेबी देवी नाम है, बेबी देवी आकाश कुमार।
नवगछिया के इस्माइलपुर के कमलाकुंड में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में ताबड़तोड़ गोलीबारी। गोली लगने से घटनास्थल पर ही एक की गई जान, 5 लोग गंभीर रूप से घायल, सभी घायल मायागंज अस्पताल रेफर। नवगछिया पुलिस जिले के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र में जमीन कब्जा को लेकर मंगलवार की सुबह लगभग 10 बजे के करीब दो पक्षों में ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई। इसमें एक पक्ष के एक लोग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे पक्ष के एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए हैं। मृतक थाना क्षेत्र के कमलाकुंड निवासी सागर यादव बताया जा रहा है। घटना की सूचना पर पहुंची इस्माइलपुर पुलिस द्वारा सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया, जबकि 4 घायल को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भागलपुर भेज दिया गया। मामला कमलाकुंड गांव का है। वारदात के बाद गांव में दहशत का माहौल है। दोनों ओर से लगभग 50 राउंड गोली चलने की बात बताई जा रही है। गोलियों की तड़तड़ाहट से इस्माइलपुर का पूरा दियारा इलाका थर्रा उठा है। वहीं इस गोलीबारी की घटना में कमलाकुंड निवासी चंद किशोर यादव सहित उनके 3 पुत्र सुमन यादव, राकेश यादव और कारेलाल यादव घायल हो गए हैं। सुमन यादव को पेट में गोली लगी है, राकेश यादव और चंद किशोर यादव को हाथ में, जबकि कारेलाल को उसके सिर में गोली छूते हुए निकल गई है। फिलहाल सभी का इलाज भागलपुर के मायागंज अस्पताल में चल रहा है। घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए इस्माइलपुर पुलिस दियारा क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी में जुटी है, मगर अब तक पुलिस को कामयाबी नहीं मिल पाई है। वहीं पूछे जाने पर पूरे मामले को लेकर नौगछिया DSP दिलीप कुमार ने बताया कि दोनों ओर से गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें घटनास्थल पर एक की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल हैं। घायल को भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं घटना के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। प्रथम दृष्टया जमीनी विवाद का बताया जा रहा है। वो सब रंगबाज है, 8 आदमी था वो सब। हम सब अपना खेत में जैसे कि अभी मकई लगवा रहे हैं, वो सब आके चारों बगल से हम सबको घेर लिया। और घेर के बस पकड़ के पहले हमारा भाई को गोली मारा, उसके बाद फिर हम सब जब अस्थिर हुए थे तब हम सबको भी गोली मारा। कौन मारा गोली? सागर यादव, विकास यादव और 7 आदमी है। अभी क्या हम बताएंगे, 7 आदमी है। दुश्मनी है खेती का? खेती है का, वो रंगबाज हम बोल रहे हैं, वो रंगबाज है। उसका कभी है कि दिनों तुम सब नहीं रहो, जब तक मतलब हमारा ये जंगल है और ये सब हम करेंगे, हमारा सबका कभी बाकी जमीन जब हमारा है तो आप कैसे खाएगा। कब को गोली लगाए? गोली 3 को लगाए। आपका नाम क्या है? राकेश यादव। कहाँ लगाए गोली? ये कोई इसमें लगाया। बताइए कैसे घटना हुआ? घटना हुआ कि वहाँ मक्की लगा रहा था सागर यादव, वहाँ हम घास काट रहे थे। अच्छा। वो सब डायरेक्ट आया और गोली चलाना शुरू कर दिया। अच्छा, कितना संख्या में था अपराधी सब? वो सब कम से कम 10 था, 10-12। आप लोग कितना आदमी थे? बस हम 2 भाई थे। अच्छा, क्या नाम हुआ आपके भाई का? हमारा भाई का नाम सागर है, हमारा नाम है अनुज यादव, जिसका मतलब जो दर्द को। अच्छा, शादीशुदा है? हाँ, शादी है। अच्छा, क्या ठो बाल बच्चा है? उसको बच्चा है कि 5 है, 2 लड़का है। अमरी बिशनपुर घाट 4th दिन मिली छात्र सोमेश व जेल पुलिस भवेश की लाश। नवगछिया के बिहपुर थाना क्षेत्र के अमरी बिशनपुर घाट पर 4 दिन पहले नहाने के क्रम में नाथनगर के 3 युवा के डूबने से मौत हो गई थी। इस घटना में पहले ही दिन आर्मी जवान ललमटिया राम तुल्लापुर निवासी प्रवीण कुमार के शव को SDRF की टीम ने ढूंढकर बाहर निकाला था। वहीं खोजबीन की कड़ी में मंगलवार को 2 युवक, जिसमें एक साहेबगंज दिलदारपुर निवासी जेल पुलिस भवेश कुमार और छात्र सोमेश कुमार के तैरते शव पर स्थानीय ग्रामीणों की नजर पड़ी, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से दोनों के शव को घाट से बाहर निकाला गया। शव 4 दिनों तक पानी में रहकर पूरी तरह से फूल गया था, जो पहचान में नहीं आ रहा था। परिजनों के पहुंचने के बाद दोनों की पहचान हुई। वहीं इस घटना में पहुंचे दोनों मृतक के परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। गौरतलब हो कि बीते शनिवार को नहाने गए नाथनगर के 8 युवक में 3 युवक के डूबने से मौत हो गई थी। मामला तो यही है सर, यहाँ गंगा नहाने के लिए आया था। कौन? मेरा बेटा। क्या नाम? सोमेश प्रणव। 21 तारीख को शनिवार दिन था और आज बरामद हुआ है। अब इसका आगे प्रक्रिया जो है सरकारी किया जाए। क्या नाम है आपका? हमारा सुभाष चंद्र घोष नाम है। आपका घर कहाँ है? हमारा घर मुखेरिया है और कोली कुटा
पोस्ट कोयली खुटा पड़ता है। अच्छा, थाना जगदेशपुर। अभी वर्तमान में कहाँ रहते थे? वर्तमान में नाथनगर पुरानी सराय कचेरी। किराए के मकान? किराए के मकान में रहते हैं। ढोलबज्जा थाना का घेराव कर विरोध प्रदर्शन करने पर उतारू व्यवसायी को मुखिया ने समझा बुझा कर रोका। ढोलबज्जा के बाजार हटाए जाने को लेकर मंगलवार को ढोलबज्जा के व्यवसायी द्वारा थाना का घेराव कर विरोध प्रदर्शन करने पर उतारू हो गए थे। वहीं इसकी सूचना मिलते ही पंचायत के मुखिया राजकुमार उर्फ मुन्ना मंडल ने प्रदर्शनकारी व्यवसायी के बीच पहुँच लोगों को समझा बुझा कर शांत किया। वहीं मुखिया ने कोरोना काल को देखते हुए सभी को एक जगह भीड़ नहीं लगाने व मास्क पहनकर बाजार आने की भी अपील की। मौके पर उपेंद्र पासवान, संजय जायसवाल, प्रदीप भगत, सागर भगत के अलावा कई गण्यमान्य उपस्थित थे। कृपया ध्यान दें कि अब खबर एक मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773 93043-67-170। ढोलबज्जा मुखिया ने प्राथमिक विद्यालय कार्तिक नगर के चार दीवारी का निर्माण कार्य करवाया शुरू। कदवा दियारा पंचायत अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय कार्तिक नगर में मंगलवार को मुखिया अशोक सिंह ने मनरेगा के तहत चार दीवारी का निर्माण कार्य का शुभारंभ नारियल फोड़ कर किया। मौके पर मनरेगा कर्मी मृत्युंजय सिंह, पंचायत रोजगार सेवक शशि शेखर, उप मुखिया प्रेमलता कुमारी सहित कई अन्य उपस्थित थे। नारायणपुर शाहजादपुर मुखिया वार्ड सदस्य सचिव संवेदक पर गिर सकती है गाज। नारायणपुर प्रखंड के शाहजादपुर पंचायत के मुखिया एवं वार्ड सदस्य 6 के वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के वार्ड सदस्य और सचिव सहित शुभम इंटरप्राइजेज भागलपुर के प्रोप्राइटर संजय कुमार शाह पर लगभग गाज गिरनी तय मानी जा रही है। इसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी नारायणपुर हरिमोहन कुमार ने जिला पंचायती राज पदाधिकारी भागलपुर को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए पत्र प्रेषित किया है, जिसमें कहा है कि मुखिया वार्ड संख्या 6 के सचिव वार्ड सदस्य ने मिलकर मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना जैसे महत्वाकांक्षी कार्य को पूरा करने में उदासीनता दिखाया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि पंचायत के मुखिया रूपेश मंडल और पंचायत सचिव के द्वारा वार्ड संख्या 6 के वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना कार्य करने के लिए 12 लाख का चेक दिया गया था, जिसमें वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति ने शुभम इंटरप्राइजेज भागलपुर के प्रोप्राइटर संजय कुमार शाह को अलग अलग राशि का चेक दिया है। पत्र में लिखा गया है कि 7,88,000 और 7 लाख का चेक दो अलग अलग बैंक का चेक दिया गया है। राशि निकासी के बाद इस योजना का जांच प्रभारी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी ने वार्ड संख्या में पहुंचकर स्थलीय जांच किया। नारायणपुर पीएससी में 20 महिला का परिवार नियोजन। पीएससी नारायणपुर में मंगलवार को 20 महिलाओं का परिवार नियोजन किया गया। उक्त जानकारी देते हुए पीएससी प्रभारी डॉक्टर विजयंत कुमार विद्यार्थी ने बताया कि जिन महिलाओं ने परिवार नियोजन करवाए हैं सरकार के द्वारा उनके बैंक खाते पर प्रोत्साहन राशि भी दिया जाएगा। रंगरा गोलीकांड के फरार आरोपी गिरफ्तार। रंगरा थाना क्षेत्र के साधुपुर निवासी पन्नालाल यादव के पुत्र मिथिलेश यादव को गोलीकांड मामले में फरार चल रहे थे, जिसको रंगरा पुलिस ने सोमवार की देर रात को गिरफ्तार कर लिया है। रंगरा थाना अध्यक्ष राजेश राम ने बताया कि मिथिलेश यादव लंबे समय से फरार चल रहे थे, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी,
अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295837793043167170। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया।